हेलो, क्वेश्चन है टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 5, -2 एंड 5, -1, 4 एंड द मीडियन थ्रू दीज वर्टिसेस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2, -1, 1 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि यहां एक्स वाई जेड एक्सिस है और हमारा कॉपी तो इसमें सिर्फ एक्स वाई ही है, तो थ्री डायमेंशन को टू डायमेंशन में चलाने के लिए हमको एक रफ स्केच बनाना होगा, लेकिन उसको हमको थ्री डायमेंशन ही समझना होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एक ट्रेंगल है जिसमें बी का कोऑर्डिनेट है 3, 5, -2 और सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, -1, 4। सी का कोऑर्डिनेट ये है, ए का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट ए बी और सी है, ए का पोजिशन बी सी, बी सी का मिड पॉइंट मान लेते हैं डी है, तो एक मीडियन ए डी होगा, इसका पोजिशन ए सी है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट ई है, तो एक मीडियन बी होगा। मान लेते हैं ए बी का मिड पॉइंट एफ है, तो एक मीडियन सी एफ हो, तीनों मीडियन एक पॉइंट पर आके मिलता है क्योंकि किसी ट्रेंगल का मीडियन कंकुरेंट होता है। इस पॉइंट को सेंट्रोइड के नाम से जाना जाता है और जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। बी से मीडियन बी, सी से मीडियन सी एफ, जी पे कट कर रहा है, यही जी का कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, -1, 1 है ना। अब देखिए एडी मीडियन है, कहने का मतलब बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ डी होगा x2 + x1/2 मीन्स 3 + 5 = 8, 8/2 मैंने 4। अच्छा 5 - 1 = 4, 4/2 मीन्स 2, -2 + 4 मीन्स -2 + 4 मीन्स 2, 2 / 2 मीन्स 1, डी का कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा हम जानते हैं कि मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 के रेशियो में काटता है, यानी एजी एजी बाई जी डी 2:1 होगा, है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, क्या मिला 4:1, 4:1। ए पोर्शन 2 है और ए पोर्शन 1 है, ए जी 2 है और डी जी 2 है, तो देयरफॉर सेक्शन फार्मूले से 1 × a कोऑर्डिनेट ऑफ जी तब हमारा होगा कोऑर्डिनेट ऑफ जी
सेक्शन फार्मूले के आधार पर जी का कोऑर्डिनेट होगा 1 इंटू ए मीन्स ए, 2 इंटू 4 मैंने 8 बाई 2, 1 इंटू बी बी, 2 इंटू 2 4 बाई 2 प्लस 1 3 और 1 इंटू सी मीन्स सी और 2 इंटू 1 2 सी प्लस 2 बाई 3। ये हमने सेक्शन फार्मूले से जी का कोऑर्डिनेट निकाला, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है बट जी का कोऑर्डिनेट दिया गया क्वेश्चन में 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 देयरफॉर ए प्लस 8 बाई 3 इक्वल टू 2 होगा। बी प्लस 4 बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 होगा और सी प्लस 2 बाई 3 1 होगा। इससे हम क्या देखते हैं, ए प्लस 8 इक्वल टू 6, 3 टू जा 6, बी प्लस 4 इक्वल टू माइनस 3 और C प्लस 2 इक्वल टू 3 इंप्लाइज A इक्वल टू 6 माइनस 8 मीन्स माइनस 2, B इक्वल टू माइनस 3 माइनस 4 इधर जाएगा माइनस 4 माइनस 7, C इक्वल टू प्लस 2 3 माइनस 2 मीन्स 1 है ना। ए बी सी का वैल्यू आ गया, हेंस थर्ड वर्टेक्स ए है ना, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा माइनस 2 माइनस 7 और 1, यही हमारा आंसर होगा।